जहां आज भारत के बड़े गेम स्टूडियो GTA, फ्री फायर, PUBG और एपिक्स लेजेंड की चीप कॉपीज बनाने में लगे हैं, वहीं चाइना की एक रिसेंटली 2014 में ही बनी गेम साइंस नाम की कंपनी ने अपना पहला PC गेम ब्लैक मिथ वुकोंग अगस्त 20, 2024 को लॉन्च कर दिया। लॉन्च होने से पहले ही दुनिया भर में इस गेम को गेम ऑफ द ईयर बताया जा रहा था गेमर्स के द्वारा, इतनी इस गेम की हाइप थी। रिलीज वाले दिन ही इस गेम ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए और स्टीम प्लेटफॉर्म पे ये गेम 2.2 मिलियन कंकरेंट प्लेयर्स तक पहुंच गया, जो नंबर इसे सेकंड हाईएस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम बना देते हैं। उसमें भी जो नंबर 1 पे गेम है वो PUBG गेम कोई सिंगल प्लेयर गेम नहीं है बल्कि एक बैटल रॉयल है, जिसके हाईएस्ट कंकरेंट प्लेयर 3.2 मिलियन तक पहुंचे हैं। वहीं पे PUBG एक फ्री टू प्ले गेम भी है, उसके विपरीत ब्लैक मिथ एक पेड गेम है जो अपने सिंगल प्लेयर गेम्स की फील्ड में नंबर 1 पे पहुंच चुका है कितने बड़े जायंट्स को हरा के। एल्डन रिंग और साइबर पंक जैसे गेम्स को भी इसने बीट कर दिया है। PC के साथ बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी मिला दे तो इसके कंकरेंट प्लेयर्स 3 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। एक और रोचक चीज, रिलीज के पहले 3 दिन में ही ये गेम अपनी 1 करोड़ कॉपीज बेच चुका है। उसके सिवाय इस गेम ने 600 मिलियन डॉलर से अधिक का रेवेन्यू जनरेट किया है इन्हीं 3 दिनों में। अब ये नंबर्स कितने बड़े हैं मैं तुम्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ। अपनी इंडियन गेमिंग मार्केट की टोटल वैल्यूएशन ही $3.5 बिलियन है। अब $3.5 बिलियन भी अपने आप में एक बड़ी संख्या है, पर इसमें भी 2 चीजों में अंतर कर लेते हैं। ये वो अंतर है जो गेमिंग कंपनीज भी चाहती है कि गवर्नमेंट करे, इसीलिए 70 से अधिक गेमिंग स्टूडियोज और ई-स्पोर्ट्स की कंपनीज ने PM मोदी को ये लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने यही रिक्वेस्ट की कि गेमिंग के भीतर 2 कैटेगरीज को बिल्कुल अलग रखा जाए और अलग पॉलिसीज के साथ ही इन्हें ट्रीट किया जाए। इन दो में पहली है ट्रेडिशनल गेम की कैटेगरी, जिसमें तुम PC, मोबाइल और कंसोल के गेम्स को डाल सकते हो। ये वो सब गेम है जिन्हें तुम अपने कैजुअल फन के लिए या फिर स्पोर्ट्स के लिए खेलते हो। वहीं दूसरी कैटेगरी है रियल मनी गेम्स की और स्पोर्ट्स फैंटेसी स्टार्टअप्स की। इस कैटेगरी में ड्रीम 11, रमी 11 और MPL जैसे गेम आते हैं। डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। ये वो सारे गेम्स हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार की बैटिंग या किसी प्रकार की गैम्बलिंग इन्वॉल्व होती है। इन गेम्स में तुमसे सट्टा लगवाना ही इन गेम्स का मेन पर्पज है, और गेमिंग में यही मेन कैटेगरी है जो तुम्हें 80-85% प्रॉफिट लाके देती है इस पूरी गेमिंग इंडस्ट्री का। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में इंडियन गेम मार्केट ने $830 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब इस रेवेन्यू में ये रियल गेम्स मनी यानी कि गैम्बलिंग वाला रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है या नहीं, उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। वो अंतर मैं कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाया। मैंने अनेकों आर्टिकल्स खोले, उसके सिवाय मैंने से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, पर कहीं पर मैं वो डिफरेंस नहीं ढूंढ पाया। लेकिन आशावादी होते हुए तुम मान के चलो कि यहाँ पे हम गेमिंग वाले हिस्से की बात नहीं भी कर रहे हैं, तब भी तुम्हें यही दिखेगा कि पूरी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का एक साल का रेवेन्यू $830 मिलियन है केवल। वहीं एक नई 2014 में बनी चाइनीज कंपनी के पहले गेम का रेवेन्यू केवल 3 दिन का $600 मिलियन है और लाइफ टाइम का $1-2 बिलियन होने वाला है। बिल्कुल यही वाली सक्सेस इंडिया भी अचीव कर सकता था। आफ्टर ऑल ये ब्लैक मिथ वाला गेम जिस 16th सेंचुरी की नोवेल जर्नी टू द वेस्ट पे बेस्ड है, उसका मेन कैरेक्टर सन वुकोंग हनुमान जी से ही इंस्पायर्ड है। हमारे भारत की हिस्ट्री रामायण महाभारत जब चाइना में पहुंचती है, चाइना की वहां की मिथोलॉजी के साथ मिक्स हो जाती है हमारी हिस्ट्री, तब वहां पे उनकी मिथोलॉजी में वहां के कल्चर में सन वुकोंग जैसे कैरेक्टर जन्म लेते हैं। तो जहां दूसरे देश बड़े कल्चरली रिच गेम बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट इंडियन कल्चर से ही इंस्पायर्ड है, पर वो उन्हें अपना बता के सेल कर रहे हैं, इसके विपरीत इंडिया में तो हमें किसी का कुछ उधार लेने की आवश्यकता भी नहीं। हमारा रिच कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, हम उसको क्यों नहीं दिखा सकते? हम अपनी सभ्यता संस्कृति पे इतने बड़े गेम्स क्यों नहीं बना सकते? गेमिंग मार्केट जैसे जैसे बढ़ रही है, इसकी भूख भी बढ़ रही है। बहुत सारे गेमर्स हैं जो अब लोकल मार्केट्स की ओर ना देख के इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर देखते हैं। यहाँ तक कि इन सक्सेसफुल देशों की लोकल कंपनीज भी विदेशी कल्चर, विदेशी सभ्यता, संस्कृतियों पे गेम बनाती हैं, क्योंकि ये गेमर्स कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इसलिए चाइना का ये गेम हो या फिर उसके सिवाय जापान कल्चर पे बेस्ड गेम हो, सामुराई वाला गेम हो जहाँ पे लोग सामुराई कोड को जी बेशक ना सके लेकिन उसकी फीलिंग लेना चाहते हैं, अपने आप को खुश करना चाहते हैं एक अच्छे हाई क्वालिटी गेमिंग एक्सपीरियंस के माध्यम से। ये जो इन गेम्स को हिस्टोरिकल सेंस में दिखाया जाता है, उनके कल्चर के बिल्कुल पास रखा जाता है जिस देश के बारे में वो गेम है, ये सब चीजें इन गेम्स का यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाती हैं। चाहे उसी देश में वो गेम हो सकता है बहुत सारी कॉपीज ना बेच पाए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये गेम्स हिट होते हैं, ओवरऑल मिलियंस बिलियंस का प्रॉफिट करते हैं, जितना पूरी पूरी मूवी इंडस्ट्री छोटी छोटी जो भारत के भीतर है वो एक साल में इतना इनकम जनरेट नहीं कर पाती जितना एक अकेला गेम इनकम जनरेट कर देता है। तो इस वीडियो के डिटेल्स में हम बात करेंगे कि क्या भारतीय कंपनी ऐसा कुछ सिमिलर कर रही है, या फिर वो PUBG और GTA की चीप कॉपीज बनाने में ही संतुष्ट है, या फिर कौन से नए अपकमिंग गेम्स हैं जो ओरिजिनल है और इस पूरी इंडस्ट्री को बदलने की क्षमता रखते हैं, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। पर शुरुआत करते हैं कुछ क्विक स्टैट्स के साथ। चाइना के बाद इंडिया नंबर 2 पे आता है जब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ गेमर्स कितने हैं किसी देश में। चाइना में जहां 772 मिलियन गेमर्स है, वहीं इंडिया में 568 मिलियन गेमर्स है। इस समय पूरी गेमिंग इंडस्ट्री की वर्थ $244 बिलियन से ऊपर है। इसमें USA $58 बिलियन की मार्केट साइज है, चाइना $45 बिलियन की, तो इंडिया लगभग $3.5 बिलियन की। उसके सिवाय बताया जा रहा है कि 2025 वो पहला साल होगा जब एक साल
में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रही होगी, जो कि करंटली $830 मिलियन पे स्टैंड करता है। केवल 3% गेमर्स ही ऐसे हैं जो वीडियो गेम्स पे पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पे मंथली ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ये स्टैंड करता है $0.29 पे। हमारी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में लगभग 1400 से ऊपर गेमिंग कंपनीज हैं, जिनमें 500 से ज्यादा गेमिंग स्टूडियोज हैं जो पागलों के जैसे अपने न्यू गेम्स की डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं। जिनको अभी के लिए भारत के सारे नंबर्स छोटे लग रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी जैसा कि कहते हैं, गेमिंग विल बी बिगर then music, movies and TV shows all put together. और ये केवल एक पॉसिबिलिटी नहीं है जिसके बारे में एक बड़ा बिजनेसमैन बात कर रहा है, बल्कि ये एक रियलिटी है। तुम्हें बस अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इन मार्केट्स को देखना है, उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि गेमिंग इंडस्ट्री दूसरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से कहीं अधिक आगे निकलने वाली है। इस प्रकार से समझो कि 2023 में इंडियन मूवी इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू ग्रॉस नंबर्स में लगभग $1.5 बिलियन था, वहीं इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का प्रॉफिट $830 मिलियन था। तो इन दोनों इंडस्ट्रियों में अभी से ही कोई बड़ा अंतर नहीं है, और जिस दिन इंडिया के एक या फिर दो गेम भी बड़े स्केल पे इंटरनेशनल मार्केट्स में हिट हो जाते हैं, जैसे ब्लैक मिथ वाला गेम अभी हिट हुआ है, उन एक दो गेम्स की सफलता के दम पे ही इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री मूवी इंडस्ट्री से आगे निकल जाएगी। इंडिया के लिए ये एक रियल पॉसिबिलिटी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। कौन सी चीजें इस रोड में बाधक बनी हुई है, पत्थर बनी हुई है रास्ते का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर उस सब पे आने से पहले इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के जायंट्स और सबसे बड़ी कैटेगरी यानी कि मोबाइल गेम्स की बात करनी होगी। हमारी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, इसीलिए इस इंडस्ट्री का लगभग 78% रेवेन्यू केवल मोबाइल गेम से आता है, बाकी 15% PC से और 7% कंसोल से। ये इसलिए है क्योंकि इंडिया के 90% से अधिक गेमर्स केवल मोबाइल गेम्स को ही प्रेफर करते हैं, या फिर मैं कहूँ केवल मोबाइल गेम्स को ही खेल सकते हैं। ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे कि PC और कंसोल, इन्हीं पे खेले जाने वाले प्रीमियम हाई क्वालिटी AAA गेम्स को ही रियल गेमिंग एक्सपीरियंस माना जाता है सभी के द्वारा संसार भर में, क्योंकि उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे तुम बड़े गेम्स का पीक गेमिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स जैसे कॉम्पिटेटिव स्पेसेस में भी तुम बड़े स्केल पे कम्पीट कर सकते हो, रियल पैसा कमा सकते हो, गेमिंग को एक रियल करियर के रूप में देख सकते हो। दूसरे बड़े देशों के विपरीत इंडिया के अधिकतम गेमर्स मोबाइल गेमर्स इसलिए हैं क्योंकि इंडिया अब भी एक लो इनकम वाली डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे PC और कंसोल्स खरीदने वालों की संख्या बहुत कम है। एक अपर मिडिल क्लास अवश्य डेवलप हो रही है, लेकिन घर घर में जहाँ पे तुम्हें PC देखने को मिले वो समय अभी एक दशक दूर है। पर ध्यान रहे, पहले मोबाइल के बारे में भी यही समझा जाता था, जहाँ पे टच स्क्रीन मोबाइल को तो एक लग्जरी के रूप में देखा जाता था। जैसे जैसे इन स्मार्टफोन्स के प्राइस डाउन हुए, इन्हें खरीदना अफोर्डेबल हुआ, वैसे वैसे आज के दिन तुम्हें घर घर में अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स देखने को मिल रहे हैं। उन फोन्स में तुम्हें करोड़ों लोग गेमिंग करते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं फोन्स पे अधिकतम फ्री टू प्ले गेम्स खेले जाते हैं, जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैन, कैंडी क्रश या फिर लूडो किंग। यदि तुमने इन गेम्स को खेला है या फिर इनके बारे में सुना है, तो ये तुम्हें प्ले स्टोर पे मिलने वाले मामूली गेम्स लग रहे होंगे, पर यही गेम्स अब तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं और नए नए अपडेट लाके न जाने कितने दशकों तक कमाते रहेंगे। ये गेमिंग कंपनीज निर्भर रहती हैं तुम्हारे एड्स देखने पे और इन ऐप परचेजेस करने पे उस समय जब तुम इन गेम्स को खेलते हो। यही इन कंपनीज के रेवेन्यू मॉडल होते हैं। और अब ये गेमिंग मार्केट भी सिंपल नहीं रही है, पहले से अधिक कंजेस्टेड है। इस मार्केट में भी कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है, और यहीं पे भारत की मोबाइल गेमिंग कंपनी जिन्होंने सिंपल प्रोजेक्ट सिंपल गेम से शुरुआत की थी, वो गेमिंग स्टूडियोज आज के दिन अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। इसी स्पेस में PUBG और मिनी मिलिशिया जैसे गेम्स ने इन कंपनीज को अच्छे से समझा दिया कि बैटल रॉयल वाले गेम अभी लंबे समय तक यहीं पे रहने वाले हैं। जिन गेम्स के नए नए अपडेट्स प्रस्तुत करके तुम दशकों तक पैसा कमा सकते हो, ना जाने कितना अधिक। इसलिए पिछले कुछ सालों से ही ये इंडियन गेमिंग कंपनीज बैटल रॉयल ला रही है मोबाइल्स के लिए। जैसे ही भारत में PUBG गेम बैन हुआ, तो इन कंपनीज को समझ में आ गया कि अब एक स्पेस खाली हो चुका है और गेमर्स एक नए बैटल रॉयल को ढूंढ रहे हैं, और वहीं पे 4G गेम आया। उस गेम के पीछे कोई मेहनत नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था, कोई इंस्पिरेशन नहीं थी किसी स्टोरी की या एक ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस की, बस एक मौका था जो डेवलपर्स को वहां पे दिख रहा था कि ये स्पेस खाली हो चुका है, गेमर्स को कुछ ना कुछ तो खेलना ही पड़ेगा। यदि हम बड़े टशन के साथ, बड़ी मार्केटिंग के साथ एक बैटल रॉयल गेम प्रस्तुत कर देते हैं, चाहे वो कितना भी कबाड़ा हो, चाहे वो कितना भी बेकार एक्सपीरियंस देता हो, लैग से भरा हुआ हो, फ्रस्ट्रेट तुम्हें कर दे, तब भी लोगों को खेलना ही पड़ेगा, PUBG तो बैन है। इस प्रकार 4G को बनाने वाले डेवलपर सोच रहे थे कि वो मालामाल हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। पर ये 4G गेम बिल्कुल फ्लॉप रहा, इसकी अच्छी पिटाई हुई। इंडियन मोबाइल गेमर्स ने इन कंपनीज को संदेशा दिया कि हम बेकार चीप कॉपीज तो खेल लेंगे, लेकिन वो कॉपीज भी हाई क्वालिटी में होनी चाहिए, वो हमें किसी प्रकार का गेमिंग एक्सपीरियंस देती हो। और उसी के चलते इस बैटल रॉयल वाले जोनरा में आज हमारे पास एक दो नहीं बल्कि 4 बड़े गेम्स है जो भविष्य में आने वाले हैं। इन सभी गेम्स को मोबाइल के लिए इंडियन गेम स्टूडियोज ही बना रहे हैं, और इन गेम्स के नाम हैं इंडस बैटल रॉयल, स्कारफॉल, वैक्स और UGW। इनमें से कोई भी गेम अभी तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन कुछ गेम अभी भी ओपन बीटा स्टेज में है, यानी कि कोई भी
ताकि इन्हें अभी से डाउनलोड करके खेल सकता है। अभी के लिए ये गेम चाहे बग्स से भरे हुए हो, फ्रेम स्किप होते हो, फ्रेम्स फ्रीज होते हो, इन गेम स्टूडियोज के पास एक अच्छा बहाना है कि गेम अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, तो इसी ओपन बीटा स्टेज में ये इन गेम्स को रख सकते हैं अगले सालों तक। हालांकि गेम्स चाहे रिलीज ना हुए हो, केवल ओपन बीटा स्टेज में हो, लेकिन पैसा कमाना इन्होंने शुरू कर दिया है इन गेम्स के साथ। अपने बैटल रॉयल पासिस और दूसरे आइटम्स गेम्स के भीतर बेचने शुरू कर दिए हैं। और इन गेम्स को खेलते समय गेमर्स बता रहे हैं कि ये पबजी, फ्री फायर और एपेक्स लेजेंड की कॉपी हैं। इन गेम्स के भीतर बहुत सारे एलिमेंट्स उन्हीं गेम्स से इंस्पायर्ड हैं, कुछ तो बिल्कुल कॉपी भी हैं। पर तब भी जब ये गेम कॉपीज हैं, मैं इन गेम्स को सफल होते हुए देखना चाहूंगा, मैं इन गेम्स को कम्पीट होते हुए देखना चाहूंगा। यदि गेम बिल्कुल बेकार है तो मैं इनको पिटते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि उसी कॉम्पिटिशन से तुम्हारे पास बेस्ट प्रोडक्ट निकल के बाहर आएंगे जो इंडियन मार्केट को सर्व करेंगे, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को शक्तिशाली करेंगे। इन्हीं कॉपीड गेम्स में इन्होंने कुछ ओरिजिनल आइडियाज भी अप्लाई करने का प्रयास किया है, जैसे कि ग्रज और डैश। इन फीचर्स को ये स्टूडियोज एडवर्टाइज भी इसलिए कर रहे हैं ताकि ये गेम्स अपने आप में यूनिक दिख सकें और कंपटीशन को बीट कर सकें। ये तो हम बात कर रहे थे पबजी से इंस्पायर्ड गेम्स की। इसके सिवाय GTA से इंस्पायर्ड भी गेम है, जैसे कि महानगरी, जो कि गेम आने वाला है भविष्य में। ये गेम भी कई स्टेजेस पे गेमर्स को दिखाया जा चुका है, जहां पे गेमर्स इस गेम को खेलते समय इस गेम को उतना स्पेशल नहीं पाते, इसे GTA Vice City के बराबर भी नहीं पाते। और इस गेम के जो पीछे डेवलपर्स हैं, उनके तुम इंटरव्यूज देखते हो तो तुम्हें और अधिक दुख होता है, और तुम्हें पता चलता है कि वो अधिक सीरियस नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेके। पैसा और टाइम वो बहुत अधिक इन चीजों पे बहा रहे हैं, लेकिन उनसे पूछा जाता है वो बना क्या रहे हैं, तो वो बताते हैं कि ये गैंग्स ऑफ वसेपुर है। मूवीज लाइक गैंग्स ऑफ वसेपुर और इवन सीरीज लाइक मिर्ज़ापुर, इसीलिए तुम इन गेम्स में क्रिंजी, बेकार, सस्ते डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जैसा कि तुम एक एवरेज गाली गलौज वाली बॉलीवुड फिल्म से एक्सपेक्ट करते हो। और मैं या फिर दुनिया भर के गेमर्स इन्हें सीरियस प्रोजेक्ट्स के रूप में, सीरियस गेम्स के रूप में नहीं देख सकते, इन्हें GTA के रूप में हम नहीं देख सकते। पर क्योंकि इन गेम्स की इतनी अधिक हाइप है, लोग इनके बारे में इतना अधिक बात कर रहे हैं, इन गेम्स के लिए वेट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगा इन गेम्स के बारे में मुझे बात करनी चाहिए, इनको मेंशन तो अवश्य करना चाहिए। पर इंडियन गेमिंग मार्केट बहुत बड़ी है, और यही सुने सुनाए गेम्स जिनकी बहुत अधिक हाइप है इस समय, केवल इनके बारे में बात करके मैं ये चैप्टर क्लोज नहीं कर सकता, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंडिया की मोबाइल गेम मार्केट में बहुत सारे जेन्युइन सीरियस गेम्स भी बन रहे हैं, और ऐसे गेम्स के पीछे काम करने वाली कंपनियां ही भविष्य में मोबाइल गेमिंग के बिल्कुल टॉप में होंगी, कम से कम भारत में तो अवश्य। इन गेम्स में आते हैं कुरुक्षेत्र, मिस्टिक पिलर्स, मेटल हेवन जैसे गेम्स। इन गेम्स को डेवलप करने वाले गेम स्टूडियोज के मैंने इंडिविजुअल इंटरव्यूज भी देखे हैं, उनकी जर्नी भी देखी है, मैंने समझने का प्रयास किया है कि कैसे इन स्टूडियोज ने चीप कॉपीज के सिवाय ओरिजिनल आइडियाज पे काम किया, उन आइडियाज को डेवलप किया, एक के बाद एक गेम्स को लेके आए, उसके बाद आज अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और इन्हीं इंडियन गेमिंग स्टूडियो में से तुम्हें कोई भविष्य का क्लैश ऑफ क्लैन या फिर सबवे सर्फर बना के देगा, एक ऐसा गेम जो कि दशकों तक जाना जाए, जिसको लोग खेलते रहें, एडिक्टेड रहें, जिसे एक अकेले गेम से ये गेमिंग कंपनीज मिलियंस और बिलियंस भी कमा सके। गेमिंग इंडस्ट्री की यदि हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये फैक्ट भी एक्सेप्ट करना होगा, किसी देश की सॉफ्ट पावर उसके मोबाइल गेम्स में नहीं होती है, बल्कि PC और कंसोल में होती है। वहां पे जब तुम AAA टाइटल वाले बड़े गेम्स बनाते हो, तो उनको नई जनरेशन खेलती हुई बड़ी होती है, जैसे कि हम बड़े हुए GTA को खेलते हुए, मैक्स पेन को, कॉल ऑफ ड्यूटी को, असेशन क्रीड को। जबकि मैंने तुम्हें बता दिया है कि भारत में PC गेमर्स कम है, लेकिन वो कहानी का दी एंड नहीं है PC गेम्स के लिए इंडिया में, बल्कि ये तो इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री की PC में शुरुआत है। 2023 में गेमिंग लैपटॉप्स की कॉस्ट में भी 10% का ड्रॉप आया है, और समय के साथ तुम्हें सस्ते से सस्ते अफोर्डेबल गेमिंग PC और लैपटॉप्स देखने को मिल रहे हैं, जिनके प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम जैसे पार्ट के भी प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं समय के साथ। और इंडिया में तुम्हें ठीक ठाक गेमिंग PCs भी बजट में बनते दिख रहे हैं, और इंडिया के बड़े थिंक टैंक्स भी यही बता रहे हैं कि ये मार्केट तेजी से ग्रो होने वाली है, PC गेम्स ग्रो होने वाले हैं। रिटेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जीरो कॉस्ट EMI जैसे ऑफर के साथ PC कंपोनेंट को बेचना हो, या फिर एवरेज ब्रॉडबैंड स्पीड का 2019 में 7.5 MBPS से बढ़ के 2024 में 20 MBPS तक पहुंच जाना हो, ये वो सारी चीजें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तुम्हें मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंस देने में, जिसके कारण तुम बड़ी आसानी से अपने PC और कंसोल पे बड़े बैटल रॉयल गेम खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और इसीलिए बड़े PC गेम्स की भी पर्टिकुलर कम्युनिटीज बन रही है गेमर्स की, जो केवल उन्हीं इंडिविजुअल गेम्स के बारे में है। और ये तो हो गई इंडिया के PC गेमर्स के साइड की स्टोरी, लेकिन इंडिया के गेम डेवलपर्स की साइड का क्या? वो इंडिया में एक बड़ा AAA टाइटल वाला गेम क्यों नहीं दे पाए PC के लिए? इसके लिए लोग तीन बड़े रीजंस बताते हैं, वो ये हैं। पहला तो यही कि PC गेमर्स ही अपने आप में भारत में कम है। दूसरा ये कि बड़े AAA टाइटल वाले गेम्स का बजट हजारों करोड़ तक चला जाता है, जैसे कि साइबरपंक पे $241 मिलियन से ज्यादा खर्च किए गए हैं, स्पाइडरमैन पे $385 मिलियन खर्च किए गए हैं, और भविष्य में जो GTA 6 आने वाला है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट $2 बिलियन तक जा सकती है। फिर तीसरा रीजन कुछ लोग बताते हैं कि इंडिया में पेड गेमर्स की कमी है, और लोग पायरेटेड गेम्स इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके खेलते हैं। तो इंडियन गेम कंपनीज को ये चिंता रहती है कि यदि वो कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई गेम बनाएंगे, तो क्या इंडियन ऑडियंस उन्हें खरीद के भी खेलेगी, या फिर उन गेम्स के केवल पायरेटेड वर्जन इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड करके खेलेगी। हालांकि इसमें मुझे लगता है जो तीसरा पॉइंट है पायरेसी वाला, इसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, इसको लगभग एक भूत बना दिया गया है जिसको देख के सभी लोग डरते हैं, और इसी डर के मारे तुम्हें भारत में बड़े PC गेम्स डेवलप होते नहीं दिख रहे हैं। राजी इंडिया की अब तक की एकमात्र बड़ी सक्सेस है PC और कंसोल गेम्स में। इस गेम को डेवलप किया गया था नोडिंग हेड्स गेम के द्वारा, और इस गेम की डेवलपमेंट में इतना खर्चा आया कि डेवलपर्स को अपना घर तक बेचना पड़ गया। पर इन डेवलपर्स को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था, इसलिए इन्होंने ये रिस्क लिया, क्योंकि
उन्हें पता था रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी आएंगे यदि ये गेम रिलीज हो जाता है। इस रिस्क ने इन डेवलपर्स की लाइफ बदल दी। ये गेम पूरा का पूरा इंडियन कल्चर पे बेस्ड था और इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में ये हिट रहा। अनेकों इस गेम को रिवॉर्ड दिए गए। इस गेम के पीछे जो गेमिंग स्टूडियोज है उन्होंने बाद में नेटफ्लिक्स गेम्स के साथ कोलेबरेट किया और इस गेम को एंड्रॉइड और iOS के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया। गेमिंग एक्सपीरियंस में मैं उस गेम को कोई अद्भुत नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भविष्य में जो भी इंडियन गेम बने वो इससे ऊपर ही हो, इससे नीचे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और यदि तुम एक अच्छा गेम बनाओ जो कि यूनिकली इंडियन ही हो, इंडियन कल्चर पे बेस्ड ही हो, तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में हिट होगा, अपनी मेरिट के आधार पे हिट होगा। जैसे कि अभी ब्लैक मिथ हिट हुआ है जो कि चाइनीज कल्चर पे बेस्ड है। उससे पहले घोस्ट ऑफ सुशीमा जैसे गेम हिट हो रहे थे जो कि जापानी कल्चर पे बेस्ड थे। इस रिस्क को समझते हुए कुछ गेमिंग स्टूडियोज हैं इंडिया में जो रिस्क ले रहे हैं और अपने ट्रिपल ए टाइटल वाले गेम बना रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे बार बार ट्रिपल ए कह रहा हूँ तो मैं बड़े गेमिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ जो कि बड़े गेम्स में तुम्हें देखने को मिलते हैं, GTA में मिलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी में मिलते हैं। वहाँ पे जो तुम बड़े स्केल पे गेम को एक्सपीरियंस करते हो, जिस क्वालिटी को एक्सपीरियंस करते हो, उसे ट्रिपल ए में बोल रहा हूँ। और होपफुली अगले 5 साल में तुम्हें ऐसे अनेकों गेम देखने को मिले भारत में जिनकी शुरुआत अभी से हो गई है छोटे मोटे स्केल पे। और बिल्कुल छोटे मोटे गेम्स जो इंडिविजुअल्स या केवल कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए हैं वो तो तुम्हें टीजर भी देते हैं उन इंडियन गेम्स को भविष्य में खेलने का, जहाँ पे तुम ट्रिपल ए वाले गेम्स को एक्सपीरियंस करोगे इंडियन भाषा में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कैरेक्टर्स के साथ। जब इंडियन होता है तो बहुत ज्यादा डरावना लगता है। जो मैंने तुम्हें बताया था कि इंडियन गेमिंग स्टूडियोज के द्वारा कुछ चीजों को केवल एक्सक्यूजेस के रूप में प्रयोग किया जाता है, कमला जैसे गेम इस प्रकार के मिथ्स को ब्रेक कर रहे हैं। कम से कम शुरुआती समय में हम दिखा रहे हैं कि भविष्य कैसा दिखने वाला है। ये छोटा सा इंडियन हॉरर गेम है जिसकी व्यूअरशिप मिलियंस में थी जब यूट्यूबर्स इस गेम को खेल रहे थे, और इस गेम के पेड डाउनलोड भी हजारों में थे। ध्यान रहे, ये बिल्कुल छोटा सा गेम था, इसकी कोई मार्केटिंग नहीं थी, कोई इसके बारे में हाइप नहीं थी कि ये कोई बड़े स्केल पे है। और मैं वो भी समझता हूं कि गेम के कोई पेड डाउनलोड 50,000 या 1,00,000 नहीं थे, पर वो समझने योग्य बात है कि ये गेम बहुत छोटा था, लोग इस पे पैसा खर्च करना नहीं चाहेंगे। इस पूरे गेम को केवल 4-5 मिनट में ही समाप्त किया जा सकता है, इतना छोटा ये मामूली गेम था। इस पे भी हजारों कॉपीज यदि बिक जाती हैं, तो सोच के देखो एक बड़ा इंडियन गेम यदि आएगा तो उसकी हजारों कॉपीज तो भारत में बिकेंगी और लाखों कॉपीज इंटरनेशनल मार्केट में। 100% यदि वो गेम अपनी मेरिट के आधार पे अच्छा होगा तो वो इंटरनेशनल मार्केट में भी और भारत में भी हिट होगा। इसी चीज को समझते हुए इंडियन गेमिंग स्टूडियो जो भविष्य में गेम्स डेवलप कर रहे हैं उनके नाम है ओकल्ट चेंबर्स, मुंबई गलीज और मुक्ति। इसके सिवाय और भी कई नाम है लेकिन अभी के लिए ये प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं। उसके सिवाय डिटेक्टिव डॉटसन जैसे गेम भी आ रहे हैं PC पे, लेकिन मैं उनको अधिक बड़ा गेम नहीं मानता हूँ, कमला जैसा ही छोटा गेम के रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए। इनमें से ओकल चेंबर और मुक्ति सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखते हैं, जिनमें ओकल चेंबर को आने में अभी 2-3 साल लग सकते हैं। मुंबई गलीज को इस गेम का डेवलपर ही इंडिया का GTA बता रहा है, तो GTA की एक चीप कॉपी समझो। ऑन अ शूस्ट्रिंग बजट वी आर ट्राइंग टू मेक इंडियाज नेक्स्ट बिगेस्ट टाइटल इट्स मुंबई का GTA। और यदि तुम्हें लग रहा हो कि मैं इस गेम पे थोड़ा हार्श हूं, तो वो इसलिए हूं क्योंकि अभी तक जो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारे पास आया है तुम्हें स्क्रीन पे भी देखने को मिला है वो GTA Vice City के समान भी नहीं है, उससे भी कहीं 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 नीचे है। और तुम्हें लग रहा हो ये तो इनिशियल स्टेजेस में है, तो ऐसा नहीं है। इसकी डेवलपमेंट में आधा दशक बीत चुका है, हो सकता है आधा दशक और बीत जाए। इस गेम के डेवलपर्स टाइमलाइंस को मीट नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है तुम्हें 1-2 साल में मिल भी जाए, ये भी संभावना है। जो प्रोडक्ट हो सकता है तुम्हें डिसअपॉइंट भी करे, या फिर हो सकता है बहुत अधिक अच्छा हो। मैं चाहूंगा बहुत अधिक अच्छा हो, क्योंकि हम गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ई-स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करना बनता है। ई-स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप इंडिया में तेजी से बढ़ रही है और लगभग 80 मिलियन तक पहुंच चुकी है। तब भी ई-स्पोर्ट्स का इंडिया के भीतर कोई बड़ा सीन नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि इंडिया में लगभग 1,250 प्रोफेशनल गेमर्स होंगे 2028 तक, जो प्रॉपरली केवल ई-स्पोर्ट्स से पैसा कमा रहे होंगे, और ये भी केवल एक अनुमान है। तुम्हें ई-स्पोर्ट्स में बीच-बीच में कोई बड़े टूर्नामेंट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि BGMI का मोबाइल इंडिया ओपन 2023 टूर्नामेंट, जिसमें प्राइज पूल 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। पर ऐसे टूर्नामेंट्स इंडिया में केवल कभी कभी आते हैं जिनके लिए तुम्हें लंबा वेट करना पड़ता है। उसके सिवाय जो तुम टूर्नामेंट्स देखते हो जहाँ पे इंडियन पार्टिसिपेट करते हैं, वो टूर्नामेंट या तो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं या फिर इंटरनेशनल कंपनीज के द्वारा होते हैं। तुम्हें ई स्पोर्ट्स का कोई इंडियन इकोसिस्टम अभी के लिए देखने को नहीं मिलेगा। और इस प्रकार के एक-दो टूर्नामेंट पे जो कभी कभी आते हैं, 1-2 साल में आते हैं, इन टूर्नामेंट पे कोई भी प्रोफेशनल गेमर सस्टेन नहीं कर पाएगा। इंडियन स्पोर्ट्स में आज के दिन स्कैम भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चे आज के दिन सोच रहे हैं कि बड़े होकर वो स्पोर्ट्स प्लेयर बनेंगे, और यहीं पे इंडियन गेम स्टूडियोज इनके इनोसेंस को, इनकी अज्ञानता को टारगेट कर रहे हैं। इंडियन बैटल रॉयल, स्कारफॉल, UGW जैसे गेम्स ही स्पोर्ट्स के सपने दिखा रहे हैं। इनमें से कुछ गेम 10-10 लाख के प्राइज पूल वाले टूर्नामेंट्स को करवा चुके हैं या फिर करवाने का दावा कर रहे हैं। पर ये सब कुछ करना ही स्पोर्ट्स को ऐसे गेम्स में हाइप अप करना जो गेम अभी तक रिलीज भी नहीं हुए हैं। ये गेम्स स्वयं अपनी टेस्टिंग स्टेजेस में है, जहाँ पे ये ऑडियंस के लिए खुले हुए हैं, पब्लिक के लिए खुले हुए हैं। ऐसी स्टेजेस में ये दावा कैसे कर सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे या स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पे इनका फाइनल प्रोडक्ट भी अभी निकल के नहीं आया है, वो इस समय लैग हो रहा है, उसमें फ्रेम्स इस समय स्किप हो रहे हैं, फ्रेम्स फ्रीज हो रहे हैं।
हैं। वो गेम अभी तक ऑप्टिमाइज भी नहीं है कि वो अफोर्डेबल फोन्स पे चल भी सके, और कंपनीज भी स्वयं श्योर नहीं है कि वो इस गेम को ऑप्टिमाइज कर भी पाएंगी। तो ऐसी स्टेजेस में इन गेम स्टूडियोज को इस प्रकार के फॉल्स प्रोमिसेज नहीं करने चाहिए स्पोर्ट्स को लेकर। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इन इंडियन गेम स्टूडियोज को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, और क्या कुछ लोग कंफ्यूज हैं इन गेम्स को मिलने वाली ग्रांट के बारे में, जिस ग्रांट को देख के भारतीय लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल गेमिंग कंपनियां भारत को सफल होते हुए देखना चाहती हैं गेमिंग स्पेस में। यहीं पे कुछ चीजें समझनी चाहिए। तुम्हें कोई भी तुम्हें फ्री में पैसे क्यों देगा, कुछ भी क्यों देगा, और क्यों तुम्हारे गेम को भी कोई लाइक करेगा जबकि वो गेम GTA Vice City की भी एक इन्फीरियर कॉपी है। सोनी का प्लेस्टेशन और एपिक गेम्स का अनरियल इंजन, ये वो उन बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट है जिनको वो दुनिया भर में प्रमोट करना चाहती है, अपने प्लेटफॉर्म्स पे गेम्स को डेवलप होते हुए देखना चाहती है, उनको बिकते हुए देखना चाहती है, और इसी प्रमोशन के चलते भिन्न भिन्न दुनिया भर के गेमों को ये पैसे देती है जो कि इनके लिए चिल्लर समान है। ध्यान रहे, ये अपनी फील्ड में जायंट्स हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं अपने एक एक गेम से। मैं बस चाहता हूँ कि जब मैं इन ग्रांट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो, तुम किसी प्रकार के वहम में ना हो। तुम ये ना सोचो कि ये कंपनीज तो बड़ी दानी है भाई, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से तुम्हें पैसे दे रही है, इंडियन कंपनीज को पैसे दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन इंडियन डेवलपिंग गेम्स को पैसे देना इनका अपना पर्सनल बेनिफिट है, पर उस पर्सनल बेनिफिट के चलते भी कम से कम भारतीय कंपनीज को पैसा तो मिल रहा है अपने गेम्स कंप्लीट करने का, वो एक अच्छी बात है, इसलिए इस बारे में हम बात कर रहे हैं। राजी को भी एपिक गेम्स की ग्रांट मिली थी, उसके सिवाय मुक्ति को मिली है, मुंबई गलीज को भी मिली है। सोनी प्लेस्टेशन का इंडिया हीरो प्रोजेक्ट है जो कि ऐसा ही सिमिलर प्रोजेक्ट उनका चाइना में भी था। इस इंडियन प्रोजेक्ट के चलते इन्होंने अभी तक 5 इंडियन गेम्स में पैसा लगाया है जिनको तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जिन गेमिंग स्टूडियोज को ये पैसे मिले हैं उन स्टूडियोज के लिए ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है पैसा, पर ओवरऑल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे समान है। इसीलिए इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को इंडियन सपोर्ट चाहिए, भारतीय इंस्टीट्यूशन चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट चाहिए जो यहाँ पे पैसा लगा सके, जो इस मार्केट को सपोर्ट करे, गेम डेवलपर को सपोर्ट करे। तो भला इंडियन गवर्नमेंट अपनी इंडियन गेमिंग मार्केट को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रही है? बजट स्पीच में इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स को 2022 में स्थापित किया गया था। द एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, और इन्हीं चार चीजों को प्रमोट करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई थी। हम केवल गेमिंग की बात करें तो इस पॉलिसी के चलते इंडियन गेम्स को इंटरनेशनली शोकेस किया गया। उसके लिए इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडियन पवेलियंस को लगाया गया जहां इंडियन गेम्स शोकेस हो सके और लोग आके उन्हें टेस्ट कर सके। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे बैकग्राउंड में तुम्हें इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। अभी 2024 में वेव समिट भी हो रहा है जहां पे कॉम्पिटिशन वगैरह भी करवाए जाएंगे गेमिंग और एनिमेशन जैसी चीजों को प्रमोट करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें अच्छी है लेकिन बहुत छोटी है, छोटे स्केल पे है। इन्हें तुम गेम इंडस्ट्री को ग्रो आने वाली कोई मेजर मूव्स के रूप में नहीं देख सकते, और बड़ा कोई गवर्नमेंट का स्टेप देखने को मिले जो इस इंडस्ट्री को इवॉल्व कर दे, ऐसा भी कुछ तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा अभी तक। 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई पॉलिसी का भी तुम्हें कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, कोई रोड मैप देखने को नहीं मिला है, बल्कि जुलाई 2024 में 70 गेम कंपनीज के द्वारा पीएम मोदी को ये लिखा गया लेटर, जिसमें इन गेम कंपनीज के द्वारा चिंता जताई गई टैक्स रेट्स जैसी चीजों के लिए, और इन वीडियो गेम्स वाली कंपनीज को रियल मनी गेम्स के जैसा ही ट्रीट क्यों किया जाता है, ये चीज भी उनके द्वारा उठाई गई। इन कंपनीज के द्वारा ये भी रिक्वेस्ट की गई कि गेम्स को प्रमोट करने के लिए उन पे लगे 18% GST टैक्स को कम करके 12% कर दिया जाए। इन सब चीजों पे होता क्या है वो तो तुम्हें भविष्य में ही देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अभी के लिए वीडियो छोड़ के मत जाना, ये बात मेरी ध्यान से सुनो। इस चैनल पे जो भी मैं बड़ी डिटेल्ड वीडियोस बनाता हूँ जो कि यूनिक कंटेंट होता है, जो तुम्हें इंटरनेट पे या किसी आर्टिकल में कहीं ना मिले, उसके लिए मुझे स्वयं रिसर्च करनी पड़े, बुक्स खोलनी पड़े, रिलीजियस बुक्स भी खोलनी पड़े, और डिटेल में उनको स्टडी करना पड़े स्वयं से। इस प्रकार की कई सारी वीडियोस मैंने पोस्ट की है और दूसरी वीडियोस की तुलना में इन पे रीच भी ज्यादा आने लगती है, व्यूज भी ज्यादा आने लगते हैं, लेकिन फिर ये वीडियोस डिमोनेटाइज हो जाती हैं और उसी के साथ मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं। इसीलिए मैं इस चैनल पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मेंबरशिप पैक्स। तुम इस चैनल पे सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो एक मेंबर के रूप में। अलग अलग मेंबरशिप प्लान है जो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तुम्हें ये कोई नेसेसरी स्टेप नहीं है कि तुम्हें मेंबर बनना ही है, लेकिन इससे मुझे बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा यदि तुम एक मेंबर बनते हो। यहाँ पे भिन्न भिन्न स्टेजेस के मेंबरशिप पैक हैं जिनको मैं भविष्य में भी अपडेट करूंगा, जिनके पर्क्स को भी मैं भविष्य में अपडेट करूंगा। उसके सिवाय यदि तुम मेंबर्स बन रहे हो, अपना हार्ड एंड मनी मुझे दे रहे हो, तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, वो भी के लिए इतना स्पेशल ना दिखे। हो सकता है अभी के लिए बस इतना ही हो कि मैं तुम्हारे कमेंट्स को अधिक प्रेफरेंस दूं, भविष्य में कौन सी वीडियोस इस चैनल पे लानी है वहां पे मैं तुम्हें प्रेफरेंस दूं, तुम्हारी अधिक सुनूं। उसके सिवाय दूर भविष्य में मेंबर्स के लिए लाइव स्ट्रीम्स भी करूं, ऐसी बहुत सारी चीजें तुम्हें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं, पर वो तभी संभव है जब तुम इस चैनल के मेंबर बनो। यदि तुम इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, जहां पे मुझे इस चैनल के कर्टेन क्लोज ना करने पड़े, तो जाओ इस चैनल के मेंबर्स अवश्य बनो, कोई मेंबरशिप पैक लो अपनी इच्छा अनुसार, और मैं तुम्हें मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।